वेलकम गाइस, मैं पन्ना फौजी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पन्ना फौजी आर्मी सेवन एक्सपेक्टर पर। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं दुर्ग, और दुर्ग का नज़ारा जैसे कि देख पा रहे हो अभी हो रहा है मॉर्निंग के 6 o'clock, और यहाँ पर हो रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और हम लोग हैं दुर्ग सेंटर पॉइंट में। सेंटर पॉइंट बोले तो यहाँ पर का ये पोखर, और ये चारों तरफ ये जेल के किनारे किनारे है। ये जो है रोड से घिरा हुआ है, चारों तरफ रोड से घिरा हुआ है, और ये बना हुआ है वॉकिंग पैलेस। वॉकिंग पैलेस बोले तो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो है अपना मॉर्निंग वॉक करते हैं, जेंट्स लेडीज बुजुर्ग जो है अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अपना मॉर्निंग वॉक करने के कारण यहाँ पर दृश्य भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर जैसे कि आप घूम घूम के देख सकते हो, यहाँ पर का दृश्य बहुत सुंदर है। तालाब भी इतना अच्छा है, पोखर भी इतना अच्छा है, और ये ऊपर से गया हुआ है ब्रिज। और हम लोग आज आए हुए हैं दुर्ग का पूरा नज़ारा ले रहे हैं। बारिश में भी हम लोग निकले हुए हैं घर से, और बारिश का भी इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग दुर्ग में आज अगर यहाँ कैंटीन होगा आर्मी कैंटीन, तो आर्मी कैंटीन में जाएंगे। आर्मी कैंटीन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से रायपुर जाएंगे। रायपुर में जाकर अपना कुछ सामान लेंगे, वहाँ से हम लोग जंगल सफारी सफर करेंगे। जंगल सफारी सफर करने के बाद दोस्तों हम लोग फिर बैक टू पवेलियन, बैक टू होम जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर नज़ारा किस तरीके से है, आप घूम घूम के देख सकते हो। जैसे ये सलाब यहाँ से आप जंपिंग करके आप अपना, जैसे जिस तरीके से गाँव में स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल से भी अच्छा है, यहाँ से आप अपना जंपिंग करके नहा भी सकते हो। स्विमिंग पूल से भी अच्छा सीन है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर का नज़ारा देखो, जैसे कि बहुत ही तगड़ा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी सूरज निकलने वाला है, सूरज जैसे निकलेगा उसके बाद हम लोग चले जाएँगे अपना ब्रेकफास्ट के लिए। तो दोस्तों जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, हम लोग आए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर का नज़ारा। तो आप बताओ कि कैसा है ये दुर्ग का सेंटर पॉइंट। दुर्ग का सेंटर पॉइंट बहुत ही तगड़ा है, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा स्पेस और ऐसा खाली जगह जो है आपको शहर में कहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ इस शहर में इसको अच्छा से बना रहा है। अभी चल ही रहा है वर्क इसमें, और अच्छा से बना भी है। जैसे कि वहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर वो जंगली चिड़िया है जो पनडुब्बी बोलते हैं, वो पनडुब्बी भी अपना तैर रही है, अपना सैर कर रही है ना। पानी बहुत अच्छा है, पानी बहुत ही क्लियर है, यहाँ पानी भी बहुत जमा हुआ है, पानी का पानी बहुत क्लियर है। तो दोस्तों मेरे साथ आया हुआ है राज और उसकी मम्मी श्रेया। तो हम लोग दोस्तों आज जाएंगे हम लोग जंगल सफारी, और जंगल सफारी जाएंगे। और आज आप लोगों को कुछ पता होगा तो कमेंट्स में बताना, आज है स्पेशल डे, आज हम लोगों का है स्पेशल डे। तो आप लोग बता सकते हो कि कमेंट्स में बताना कि आज क्या है। अगर नहीं बताते हो तो आप लोगों को बताएंगे नहीं हम लोग, अगर बता देते हो तो वेल एंड गुड, विश कर देना, अगर नहीं बताते हो तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग फिर आप लोग जेल के किनारे लेके चलते हैं दुर्ग का। ये वातावरण यहाँ पर का बताने का खास मकसद यही था कि यहाँ पर का माहौल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर घूमने उमने के लिए वॉकिंग पैलेस बहुत बढ़िया बना हुआ। तो दोस्तों आज पूरा दिन आपको दुर्ग दिखाया जाएगा। गाइस इधर ओवर ब्रिज, और उसके नीचे में वॉकिंग करने का पैलेस, और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से सीधा पानी में डाइव मार सकते हो। और यहाँ पर देखो, वो देखो कबूतर भी है, दिख रहा है गाइस। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद घूमते हैं दुर्ग। दुर्ग घूमेंगे, दुर्ग का पूरा सफर आज आप लोगों को कराया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे जंगल सफारी। जंगल सफारी जाने के बाद तो बिल्कुल आप लोगों को एक एक जानवर को दिखाया जाएगा गाइस। ये है एक ठो कूदने का, और वहाँ पर से एक ठो और, और इधर अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, फिर भी यहाँ आदमी आने के चालू हो गए। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट मार्केट। दोस्तों इस सेंटर पॉइंट पर हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, और सेंटर पॉइंट का नज़ारा कुछ गजब है। रात चल रहा है आगे आगे, और मैं चल रहा हूँ पीछे पीछे। तो ये पर ब्रिज अभी बारिश हुआ है इसलिए पानी गिर रहा है वहाँ का, और हम दोनों भीग चुके हैं, अभी भीग चुके हैं हम लोग, इसलिए और ठंडी लग रही है। भीग चुके हैं दोस्तों, ठंडी लग रही है, फिलहाल दो दो कपड़े पहने, ठंडी नहीं लग रहा है अभी। और ये है दुर्ग का सेकंड पॉइंट, ये देख लो, हम पहले वहाँ थे अब यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी आप जंप कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है बाहिर भट्टा पॉइंट। बाहिर भट्टा बोले तो बाहिर भट्टा बोले मतलब बाहर में घूमने के लिए जो जगह होता है उसको बोलते हैं बाहिर भट्टा। तो देख सकते हो भट्टा पर्द वाली जगह, यहाँ से झांकोगे तो कमोड में जो गिरती है वही दिखती है।
अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर का साफ़ सफाई चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी गंदगी है, बीच में हल्का से वो मिट्टी उट्टी रखा हुआ है। यह जो है थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ठगेस वगैल बोलते हैं जो, वो जो है बिल्कुल साथ दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर के नेता वेता जो हैं सब वो ढकेल बघेल नहीं रहे, ठगेस बघेल, ढकेल बघेल भी नहीं है, दूसरा है ये, वो ढकेल बघेल है ही नहीं, वो तो भूपेश बघेल। अरे वो मुख्यमंत्री की बात कौन कर रहा है यार, हम लोग दूसरा ठगेस मतलब जो जल्दी जल्दी काम नहीं करता उसको बोलते हैं ठगेस, ठग दिया, हाँ उल्लू बना दिया उसको बोलते हैं ठगेस, ठगे ढकेल रहे। कितना खाएगा, रुक जा थोड़ा सा मुँह धोर। कल गाइस रात जो है तकरीबन 5 बजे ब्रश किया, शाम को, सुबह नहीं, दिन भर ब्रश नहीं किया था वो, शाम को ब्रश किया तो दोस्तों, और खाया भी कुछ नहीं था दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं जानबूझ के आया हूँ घूमने के लिए, आप लोगों को दिखा सकूँ दुर्ग कैसा है, दुर्ग का नज़ारा कैसा है, हमारे कोरबा का नज़ारा आप लोगों को घूम घूम के पन्ना फौजी ने खूब दिखाया, आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दुर्ग का नज़ारा। तो ये सब हंसी मजाक की बात को छोड़ के आप इसी नज़ारा का आनंद लो और देखो कैसा होता है दुर्ग। गाइस देखो दुर्ग का आनंद लो, यहाँ पर पिक्चर शूटिंग चलता है, मन कुरैशी का गाना चला था वो वाला, कौन सा समझ रहे हो आप लोग, अभी जो पिक्चर आया था कौन सा था, दार्जिलिंग प्यार झुकता नहीं, उसमें जो गाना था वो सब, ये गाना यहीं पर चला था, और वो मोर पागा के कल की तोर हो गए हो, और तय मोर हो गए रानी और मैं तोर हो गया, तो इस गाना का आप लोगों ने खूब आनंद लिया। उस गाना का नज़ारा सिर्फ यहीं पर का बदौलत जो है वो गाना हिट हुआ, यही जगह है वो, यही वो जगह है जिस वजह से वो गाना हिट हुआ है, मोर पागा के कल की तोर हो गए हो, तय मोर हो गाइस। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे अच्छे गानों को, अच्छी अच्छी फिल्मों की शूटिंग होती है। अभी आ रहा है एक है पिक्चर का नाम है भाग मच्छर आंधी आई, तो उस पिक्चर में हीरो है, उस पिक्चर में एक और हीरो है उसका नाम है राजॉक्स, तो वो जो है भाग मच्छर आंधी आई में वो जो है मेन रोल में है, और मेन रोल में होने का मतलब है उसका जो है मच्छर की तरह दांत है उसके, लंबे लंबे दांत है जो चुभाता है, गाइस देख सकते हैं ऐसे है। तो उस पिक्चर में राज जो है यहीं पर शूटिंग करेगा और अपने दांतों को कमाल दिखाएगा, खून चूसने वाली। चालू है चलना। यहाँ पर जो है अभी एक लेटेस्ट पिक्चर आने वाली है हम लोग की, न्यू आने वाली है, जिसका गाना आप लोगों को हम लोगों ने सुशाजन के साथ बना के दिखाया था, उसकी शूटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और शूटिंग का लोकेशन चेक करने के लिए हम लोग यहाँ तक आए थे। शूटिंग का लोकेशन जैसे कि देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा है यहाँ पर, तो शूटिंग का लोकेशन चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और शूटिंग का लोकेशन चेक हो चुका है, हम लोग को लगा ये बहुत ही अच्छा जगह है, तो यहाँ पर अब होगा गाने की शूटिंग। और उस गाने में आवाज़ दिया है, और एक तो श्री सजन सोनवानी जी को आप लोग बार बार आप लोग कवर करके बताता हूँ, श्री सजन सोनवानी का गाना है वो, तो उस गाना का नाम है सुते दसना माँ संगी तुर सुता आते, सुते दसना माँ संगवारी तुर सुता आते, गाना का बोल है। उस गाने में ज़बरदस्त बोल दिया है श्री सजन सोनवानी और छत्तीसगढ़ की जाने माने गायिका, उन गायिका के नाम क्या है गेस करो, जाने माने गायिका है वो, जो है बिल्कुल छत्तीसगढ़ में धूम मचाने वाली गायिका है, और छत्तीसगढ़ में एक लौता महिला सिंगर है जिसकी आवाज़ जो है बिल्कुल छत्तीसगढ़ के हर एक युवा वर्गों के कानों में गूंजता है, टाइम में तो बिल्कुल तरी हरी नाना करता है उसका गाना जो है। तो दोस्तों आप लोग जिस तरीके से देख पा रहे हो आप लोग, हम लोग हैं यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर नज़ारा गाइस। और यहाँ एक चीज़ बहुत फेमस है, चाइनीज़ पकौड़ा, तो जो दोस्तों जैसा कि राज ने बताया वो भी फेमस है, और यहाँ पर हमारा गाना शूटिंग होने वाला है, और उस गाने की शूट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो लोकेशन कैसा है आप लोग बताओ, अगर लोकेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लोकेशन अच्छा लग रहा होगा तो हम लोग यहीं पर शूटिंग करेंगे, और लोकेशन आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो फिर हम लोग बैक टू पवेलियन अपने कोरबा में करेंगे पहाड़ों में, और पहाड़ों में हुआ था उस गाने का शूटिंग जो कोरबा में लुडिया ही कंगना बिलासपुर माँ बाली, रंग रंग कपड़ा में देखो झन निकलो दिलवाली, और कोरबा वाला मन मचाहें जी हल्ला और तुमन खैहा रसगुल्ला, ये वाला गाना था वो, तो गाना जो है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों मैं बिल्कुल थोड़ा सा एक फन भी कर देता हूँ उसमें, इसलिए आप लोग को ऐसे लग रहा होगा, लेकिन वो गाना सीरियस था,
और वो गाना जो है छत्तीसगढ़ का पहला पिक्चर था मोर छैया भुइयां। और मोर छैया भुइयां जो पिक्चर देख लिया उसके लिए छत्तीसगढ़ जो है दिलों में बस गया। और हम लोग बाहर नहीं रहने के कारण भी यही हुआ कि हम लोग छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला में हैं, और कोरबा जिला में रहने का कारण है बस वही कोरबा में लुट जाही कंगना बिलासपुर में बाली, कोरबा में लुट जाही कंगना बिलासपुर में बाली। तो दोस्तों आप लोग देख, जैसा कि देखा आप लोगों ने, हम लोग इतना अच्छा अच्छा जगह कवर किया, आज आप लोगों को कवर करके दिखाए पोखर, और हमारी आने वाली फिल्मों की शूटिंग के बारे में बताया। हम लोगों ने यहीं पर फिल्म नहीं गाने की शूट होगी, तो इस गाना में जैसे कि मैंने बताया सुत दसना में संगवारी तो सुरता थे और ही हाथ दे दाँत ला निपोर दे वाला गाना नहीं हो, ठीक है ना, वो फालतू के कौन सा गुड़ाकू खजती है मुझको भी बताओ ना, ये वाला गाना नहीं है, वो गाना अच्छा वाला गाना है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं घर, और घर जाने के बाद जो है आप लोगों को दुर्ग का पूरा सफ़र कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पन्ना फौजी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ पर हूँ अभी, बहुत ही अच्छा जगह है ये, दुर्ग का सेंटर पॉइंट है ये, देख सकते हो पानी पानी सेंटर पॉइंट बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा जगह है, वॉकिंग पैलेस बन रहा है। तो यहाँ आज हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, मेरे साथ है राज ब्लॉग्स, राज के ब्लॉग में भी डाला जाएगा वीडियो जो है, आप उसको भी देखना वॉच कर लिया करो। राज का सब्सक्राइबर तकरीबन हो गया है 250,000, मतलब बोले तो कितना 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं राज के। तो उस पे जाके आप लोग अपना भी एक अंगूठा दबा देना, नहीं दबाओगे तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है राज को, लेकिन क्या है आप लोग कर देना, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करने, ये दुर्ग का नज़ारा देख लो, देख लो रे, देखो 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 देखो। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत अच्छा धूप आया हुआ है आज दुर्ग में, हम लोग हैं अभी दुर्ग में और दुर्ग से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये है सुलेखा और ये है राज, राज ब्लॉग्स का। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कैंटीन, आर्मी कैंटीन, आर्मी कैंटीन से लूँगा मैं 4000 का एडिडास का शूज़, और वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके। आज मैं इसलिए स्पेशली आया हूँ, वहाँ से कोरबा टू रायपुर आया हूँ, अभी दुर्ग में रुका हुआ हूँ, रायपुर जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ मैं लूँगा 4000 का शू। कैंटीन का रेट है 4000 का, और वो बाहर का रेट है वो तकरीबन 9000 का रेट है बाहर में, तो एडिडास का शूज़ है। और उस शूज़ को आज मैं लूँगा, आज राज का पापा लेगा कैंटीन रेट से 4000 का शू। गाइस और मेरे लिए भी 2000 का शू लेने वाले हैं, और राज के लिए उसी 4000 के शू में से एक शू को दे दूंगा और हो जाएगा इसका 2000 का शू। मेरे लिए न्यू शू आने वाला है, न्यू शूज नहीं, मेरा एक जूता दूंगा इसको, तब भी तो इसका 2000 का हो जाएगा, है ना गाइस। आप लोग बताना राज के लिए नया जूता लेना है कि नहीं लेना है, वो बहुत शैतान है, देख रहे हो यहाँ पर छत पे क्या कर रहे हैं, पागल है क्या, देखो मेरा एक ही लड़का है दोस्तों और ये भी इतना शैतानी करता है ना, एकदम लपड़गंजू की तरह शैतानी करते रहता है। तो क्या खा रहा है अभी, सेंटर फ्रेश खा रहा है दोस्तों। तो राज जो है आज राज के लिए भी लेंगे हम लोग, राज के लिए ले देंगे 200 रुपये का शूज जो है वो लोकल वाला, क्योंकि इसके पास टिकता नहीं है, तो 200 रुपये का ले दूंगा, तो राज जो है उसी से हैप्पी हो जाएगा। दोस्तों ये मेरे बगल में दुर्ग जेल, दुर्ग जेल का वाल है ये, और देख सकते हो इसमें करंट बिछा हुआ है ऊपर में, तकरीबन यहाँ 4500 से 5000 कैदी है दुर्ग जेल में, बहुत बड़ा जेल है। जय हिंद, वंदे मातरम, मैं पन्ना फौजी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल तहलका प्रोटेक एवं आर्मी सेवा नेक्स्ट सेक्टर पर।